हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले यही कहना चाहूँगा यार, इस वीडियो में मेरे को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ भी पड़ने वाली हैं, बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ बात करूँगा और सच्चाई के साथ ही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आपको ये बजाज पल्सर NS160 BS6 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस करें। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ और ठोक दो, फॉलो कर लो। सो गाइस, मैं बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 160 सेगमेंट की बेहतरीन बाइक, वो में से एक आने वाली पल्सर NS160 BS6 के बारे में। सो गाइस, BS6 बोलूँ या BS4 बोलूँ, एक ही मतलब बनता है। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, ये आपके सामने BS6 मॉडल खड़ा है। इसके अंदर खाली एक चिट लगी हुई है BS6 के नाम से, जो आपको हैंडल बार में देखने को मिलेगी। उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं अलग से देखने को मिलता। लुक बिल्कुल सेम टू सेम आपको BS4 देखने को मिल जाता है, जैसे BS4 में देखने को आपको मिलता है इसके अंदर। और जो दूसरा मेजर चेंज इसका इंजन। जी हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने कह दिया है, अब आपको जो भी बाइक रिलीज़ करनी पड़ेगी वो BS6 इंजन के साथ और फ्यूल इंजेक्शन के साथ ही लॉन्च करनी पड़ेगी। सो बजाज ने इसके अंदर एक इंजन के अंदर चेंज किया है और थोड़ी सी पावर इसकी बढ़ा दी है। अब इसके अंदर आपको फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जो कि थम्सअप, बहुत अच्छी बात है। बट यार एक बात बताओ आप, जैसे कि लुक में चेक कर रहे हो आप, बिल्कुल सेम टू सेम लुक देखने को मिलती है, कुछ भी आपको इसके अंदर चेंजेस नहीं देखने को मिलते। मेरे समझ में नहीं आ रही, आप इतना महंगे चार्ज कर रहे हो बाइक पे, आपने 10-15 हज़ार पे बढ़ा दिए हैं आपके अंदर, बट बाइक के अंदर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो क्यों नहीं किया है? मुझे नहीं पता गाइस क्यों नहीं किया है। जैसे कि आप वीडियो में चेक कर रहे हो, सेम टू सेम हूबहू आपको सेम लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे 160 की बैजिंग देखने को मिल जाती है, हालांकि इसके अंदर आपको कलर भी चेंजेस नहीं देखने को मिलते। एटलीस्ट यार कलर तो देना चाहिए था ना, कलर भी नहीं आपको इसके अंदर देखने को मिलते। बिल्कुल कलर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपको पहले वाले सेगमेंट में देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज, फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको इसके अंदर सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। फ्रंट के टायर की बात करें तो 90x90 का इसके अंदर आपको टायर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात जो इंजन की है, सो उसकी ही बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको 16.8 PS की पावर देखने को मिल जाती है और 14.6 नेटोमीटर का इसके अंदर आपको टैंक देखने वो टॉर्क देखने को मिल जाता है, और ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बट गाइज, अगर हम इसके अदर फीचर की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता। सेम टू सेम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है इसके अंदर, उसके अंदर भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलता। फ्रंट में ना तो आपको LED लाइट देखने को मिलती है, जो उसकी सिंपल सी हैलोजन लाइट दे रखी है, जो 2015 से चलती आ रही है, मे बी 16-17 में भी सेम, बिल्कुल सेम सब कुछ देखने को मिलता। बट अब इसके अंदर आपको पीछे में भी डिस्क देखने को मिल जाता है, जो उसका टायर है वो इन्होंने थोड़ा चौड़ा कर दिया। बैक टायर आपको 120x80 का टायर देखने को मिलता है, दोनों टायर आपको 17 इंचेस के इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो पहले भी देखने को मिलते थे अब भी देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे बताइए आपको चेंजेस क्या देखने को मिलता है। सबसे एडवांस थिंग जो मुझे इस बाइक में लगती है वो इसके अंदर किक। इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक आने वाली हैं उन्होंने सब ने अपनी किक हटा दी है। इसके अंदर आपको अभी भी किक देखने को मिल जाती है, तो इसके लिए बजाज को थम्स अप, किक इन्होंने अभी तक बरकरार रखी है, सो दैट्स गुड। ओवरऑल आप बाइक की लुक चेक कर पा रहे हो, जैसे कि मैं आपको एक बार ओवरऑल इसका पूरा लुक दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम BS4 मॉडल ही देखने को जैसे मिलती थी वैसे ही सेम देखने को आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको कोई भी घंटा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। मैं ये पूछना चाहूँगा बजाज से कि आपने इसके अंदर चेंजेस क्या किया है। भाई जो NS के लवर है, मैं भी NS का लवर हूँ, जो उसके एग्रेसिव लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और कस्टमर को अपनी तरफ लुभाते हैं, बट मुझे आप ये बताइए आपने इसके अंदर चेंजेस क्यों नहीं किए बजाज। ये कस्टमर आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि इसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलने चाहिए थे, जो आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। बस इसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलता है, इसके अंदर अब आपको ABS की लाइट देखने को मिल जाती है, इससे अंदर आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। 12 लीटर का इसके अंदर आपको टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि पहले भी था। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूँ तो 135 स्पीड इसकी टॉप स्पीड है। बस इस बात में आप अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, शेयर करने से लोगों तक ये खबर पहुंचेगी कि भाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो गाइज, इस सेगमेंट में बहुत अच्छी अच्छी बाइक आती हैं। जो इसका प्राइस है, मैं इसके प्राइस की बात कर लूँ, 1,25,000 से 1,27,000 का ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाता है। सेम
उसी के अंदर आपको अपाची 164 भी BS6 मॉडल देखने को मिल जाती है, अपाची 162 भी देखने को मिल जाती है, FZ देखने को आपको मिल जाती है, प्लस जिक्सर देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बाइक इसके अलावा आपको देखने को मिल जाती है जिन्होंने अपना BS6 में काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस किए हैं। और सबसे ज़्यादा चेंजेस की बात करूँ तो अपाची 164 भी में आपको सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सो गाइज, ये थी आपकी पल्सर NS160 BS6 मॉडल। सो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि मेरी बताई हुई बातें आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये भी बजाज से शिकायत है कि हाँ इसके अंदर आपको बजाज को चेंजेस करने चाहिए थे जो नहीं किए हैं, सो मुझे बताइए आप इसके अंदर क्या क्या मिस कर रहे हो। सो गाइज, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।